प्लीज इन वीडियोस को हमेशा हेडफोन लगा करके ही सुने, जिससे आप इसमें कही गई हर बात को अपने दिल और दिमाग तक महसूस कर सके। हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका भी कोई मुकाम हो, पर क्या सब लोग कुछ बन पाते हैं? क्या सब लोग अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं? नहीं, हर कोई कुछ बन नहीं पाता है, हर कोई वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो फिर कौन कुछ बन पाता है? वो जो कुछ करता है। अरे नहीं मिलेगा कुछ जब तक मांगते रहोगे, कुछ भी चाहिए तो हासिल करना होगा। ऐसे सुस्त होकर के बैठा रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। हम में से ज्यादातर लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं कि कुछ कर जाए, कुछ बन जाए, पर जब करने की बात आती है तो चुप। अरे ऐसे ही नहीं मिल जाती है मंजिल, उसके लिए कीमत है, जिसे जो चुकाएगा वही जीतेगा। वो सैक्रिफाइसेस, वो दर्द जो झेल गया वही सही खेल गया। जब तक सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करना शुरू करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही मांगते रहोगे तो कोई नहीं आएगा तुझे कुछ देने। अगर तुझे कुछ बनना है तो कुछ करना। ऐसे सोने से कुछ नहीं होगा, आग में जलना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपने अक्ल पे लगी जंग को रगड़ना पड़ेगा। अबे छोड़ ये आलस, और आज से अभी से शुरू कर दे तू कुछ करना, और फिर देखना कैसे तेरी मंजिल पास आती है। नहीं तो सोचते रहो, पड़े रहो ऐसे ही, पर फिर कुछ पाने की इच्छा मत करना, और देना फिर अपनी किस्मत को गालियाँ कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे तेरा दिमाग खराब है। अबे जब तूने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक्ट ही नहीं किया तो नसीब को क्यों गाली दे रहा है? जो चाहता है उसके लिए भीख मत मांग, एक्ट कर और हासिल कर ले उस चीज को। अगर तुझे जरा सा भी आलस है तो समझ लेना कि तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन नहीं हुआ है। अरे बेचैन हो जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, रात में लेटो तो पर नींद ना आए, काम करते करते कब सुबह हो जाए पता ही न चले, जब तेरा फेवरेट फूड तेरे सामने रखा हो पर फिर भी तेरा सारा ध्यान तेरे लक्ष्य पे हो, जब तेरे सारे दोस्त फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो पर फिर भी तेरा उनके साथ जाने का जरा सा भी मन ना करे, जब सब कुछ तेरे अगेंस्ट हो पर फिर भी तेरा सारा फोकस अपने लक्ष्य पे हो, उस दिन समझ लेना कि अब तू अपने लक्ष्य से दूर नहीं है। आलस को लात मार, मेहनत को सब कुछ मान, और कुछ भी मांग मत, सब कुछ हासिल कर ले। जो कुछ भी तुझे चाहिए उसके लिए दिलो जा से मेहनत कर, कुछ ना कुछ कर, फालतू मत बैठ टीवी में, फालतू के शोज में टाइम ना वेस्ट कर, रात दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा और हासिल कर ले अपने लक्ष्य को। नो एक्सक्यूजेस, कभी भी किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं बनाना है। किसी को कसूरवार मत बना कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे पास तो कुछ भी करने के लिए पैसे ही नहीं है। बंद कर ऐसे एक्सक्यूजेस। सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से तू कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो तू खुद है। तू खुद कुछ नहीं कर पा रहा है और दूसरों को कसूरवार बना रहा है। एक बार पूरे मन से शीशे के सामने जाकर के खड़ा हो और खुद से पूछ, कौन है जो तुझे रोक रहा है? जवाब तेरे सामने रहेगा। अरे तू खुद आलस कर रहा है, तू खुद किसी काम को नहीं कर रहा है और झूठ मूठ के एक्सक्यूजेस बना रहा है। अरे पहले खुद पे तो विश्वास करो, फिर दुनिया से विश्वास की उम्मीद करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुझे कुछ बनना है तो कुछ करना। ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आज ही अभी से अपनी विशालता को पहचान, देख कि तू कितना विशाल है, और पूरे मन से मेहनत कर। तो गाइज अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मेरे अंदर जल रही आग पर पेट्रोल डल जाता है। और इस मोटिवेशन को हर उस इंसान तक के शेयर करो जो रुक गया है, इधर उधर फालतू के एक्सक्यूजेस दे रहा है। और इस पावरफुल मोटिवेशन को सुनने के बाद आपकी क्या थिंकिंग है कमेंट में जरूर लिखना, और इस पावरफुल मोटिवेशनल कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे मोटिवेशन की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले पावरफुल मोटिवेशन में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद माही खान।